नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में, मैं अवधेश। निवेश पर अखिलेश के सवाल, ओबीसी में जाति वाला बवाल। अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में निवेश लाने के लिए सीएम योगी के प्रयासों, साइन होने वाले एमओयू पर सवाल खड़ा किया है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार निवेश के नाम पर चुनाव की तैयारी कर रही है, साथ ही जातियों के खिलाफ जातियों के सियासी इस्तेमाल के भी आरोप लगाए। तो सवाल उठता है कि क्या सचमुच निवेश के नाम पर भाजपा चुनाव की तैयारी कर रही है, या फिर अखिलेश ज्यादा निवेश से परेशान हैं, बार बार पिछड़ा कार्ड क्यों खेल रहे हैं, और सोशल मीडिया पर गालीबाजों के खिलाफ कौन सबसे ज्यादा सख्त है, ये उत्तर मांग रहा है प्रदेश। क्या इन्वेस्टर्स समिट चुनाव की तैयारी है? योगी सरकार के दावे पर अखिलेश यादव के सवाल। जब आपके पुराने एमओयू जमीन पर नहीं उतरे हैं तो नए एमओयू जमीन पर कैसे उतरेंगे, और फिर नया इंसेंटिव क्या दे रहे हो आप? ये केवल चुनाव की तैयारी है, जनता को धोखा दे रहे हैं। क्या काशी का गंगा विलास क्रूज एक दिखावा है? गंगा विलास क्रूज के बहाने अखिलेश ने साधे कई निशाने। जब मैं संगम में गया, मैं उस नाव में जब बैठा तो मैंने कहा ये सरकार ने तो बहुत अच्छी नाव खरीदी है। तभी उसमें एक कर्मचारी ने कहा ये वही नाव है जो आपने खरीदी थी। क्या भाजपा सरकार पिछड़ों को बांटने का राजनीति करती है? भाजपा पर जाति के नेताओं के इस्तेमाल का आरोप। निवेश पर अखिलेश के सवाल, ओबीसी में क्या है जाति वाला बवाल, उत्तर मांगे प्रदेश। तो अखिलेश यादव के पांच बड़े आरोप जो है हम आपको बता देते हैं। उनका कहना है कि यूपी में बंपर निवेश का जो दावा है वो चुनाव की तैयारी है और कुछ नहीं है। उनका दूसरा आरोप यह है कि जो काशी में गंगा विलास क्रूज उतारा गया है वो केवल दिखावा है। उन्होंने ये भी कहा कि वाराणसी में निषाद समाज के साथ ये धोखा है, करोड़ों खर्च करने पर भी गंगा साफ नहीं हुई और गोमती नदी की अनदेखी की गई। और उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा पिछड़ों को बांटने की राजनीति करती है, जातियों को आपस में लड़ाती है। गंगा विलास क्रूज पर अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब भाजपा के प्रवक्ता जफर इस्लाम ने दिया। उन्होंने अखिलेश को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। किस चीज को अच्छी कहते हैं? अपने आप को कह रहे हैं तो अलग बात है, अपने पार्टी के बारे में कह रहे हैं या बसपा के बारे में कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि हाँ वो ख़त्म हो चुकी है। लोगों ने उसके लिए हम लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। बसपा और समाजवादी जैसी पार्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए कि वो सिर्फ परिवार के लिए काम करती थी, परिवारवाद करती थी, लेकिन जनता के लिए नहीं समर्पित थी। और अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर गालीबाजी को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सपा ने सोशल मीडिया की टीम बदल दी है, लेकिन भाजपा ने क्या किया, अब तक क्या कार्रवाई की? तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं। और चलिए अब सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अशोक पांडे जुड़ गए हैं, अमीक जमई जी हैं प्रवक्ता सपा, नीतीश पांडे हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। और सबसे पहले नीतीश आपके पास आ रहे हैं क्योंकि गंगा विलास क्रूज को लेकर जहां उसको हरी झंडी दिखाने की तैयारी है, वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि इससे वाराणसी के नाविकों का क्या भला होगा, क्या नाविकों का हक छीनना चाहती है? और ये सवाल उठना भी चाहिए, बताइए जो वाराणसी के नाविक हैं वो क्या कह रहे हैं इस क्रूज को लेकर, और वाराणसी क्या सोच रहा है गंगा विलास को लेकर? अवधेश जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो गंगा विलास क्रूज चलेगा उससे काशी के नाविकों का रोजगार बढ़ेगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि वो नाविक ही कहते हुए नजर आ रहे हैं। और बढ़ेगा इस तरह से कि जब पर्यटक गंगा विलास तक पहुँचेंगे, गंगा विलास से फिर जब वो बाहर आएंगे, बाहर आने के साथ जब वो 80 घाट पर आएंगे या किसी अन्य घाट पर आएंगे तो वहाँ से नौका विहार करते हुए बाबा विश्वनाथ धाम के लिए जाएंगे, काशी में भ्रमण करेंगे और काशी के रोजगार को कहीं ना कहीं इस पर्यटन से पंख लगेंगे, ऐसा नाविकों का कहना है। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे भी नाविक हैं, उनका ये कहना है कि निश्चित तौर पर आप क्रूज चलाइए लेकिन उस क्रूज में निषाद समाज की अहम भूमिका होनी चाहिए।
ये इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि कोई बाहर से टपक पड़े और इस क्रूज में अपनी जो सहभागिता है उसमें अदा कर दे और उसके बाद नाविक समाज कहीं ना कहीं पीछे रह जाए। तो ये दोनों उनकी राय थी। अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जब काशी आए और उन्होंने नामांकन के दौरान कहा कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, अब उसके बाद काशी वासियों सहित पूरे पूर्वांचल को ये उम्मीद जग गई थी कि गंगा और गंगा के किनारे का जो रोजगार है वो आने वाले दिनों में रफ्तार पकड़ेगा। कई बार इसे लेकर सवाल भी उठाए गए जिसमें कहा गया कि गंगा स्वच्छता की भी बात हुई, लेकिन गंगा की स्वच्छता भी कहीं हद तक दिखाई दी और काशी में घाटों के किनारे का विकास भी किसी हद तक दिखाई दिया। और अब उसके बाद जब क्रूज चलेगा तो आने वाले दिनों में रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। ये उदाहरण कई बार देखा गया है कि जो क्रूज अगर बनारस से रवाना हुआ और बनारस से डिब्रूगढ़ तक अगर वो जा रहा है तो बनारस से सटे हुए जो अन्य जिले हैं उन जिलों को भी ये पर्यटक जानने का प्रयास करेंगे। यानी सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि बनारस के साथ जो पड़ोसी जिले हैं बिल्कुल ये तमाम चीजें हैं। नीतीश आते हैं आपके पास, बने रहिए, दिखाई दे रही है। अशोक पांडे जी आपके पास आएंगे, लेकिन अमित जी अब आपके पास आते हैं। ये जो पूरी तस्वीर बन रही है और नीतीश के, आपने दोनों पक्ष सुने, कुछ नाविक ये कह रहे हैं कि क्रूज चले लेकिन हमारी सहभागिता हो, दूसरा पक्ष ये है कि जब रामनगर के टर्मिनल में क्रूज खड़ा होगा तो नाव के जरिए पूरे घाटों तक लोग पहुंचेंगे। और आप सपा के सबसे बेहतरीन जो पढ़े लिखे प्रवक्ता उनमें, इसलिए मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं सर, 1987 में इनलैंड वाटर वेज की घोषणा हुई थी 1987 यानी कि 33-34 साल पहले और वो अमल में आ रहा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या क्रूज चलने पर सवाल उठने चाहिए? अगर इनलैंड वाटर वेज आ रहा है क्रम में तो कहां चिंता है सपा की? अध्यक्ष जगदीश यादव जी, एक बहुत ही गंभीर विषय जो हमारा पूरा निषाद समाज है जो हजारों साल से इसी के जरिए उनका रोजी रोजगार है, इसी के जरिए उनका जो समर्पण है गंगा जी के लिए, नदियों को साफ रखने में, नदियों को जानने में, नदियों की जिंदगियों को जीने में, जितना तो निषाद समाज का उसमें वो रमे हुए हैं हम आप नहीं जानते। तो अखिलेश जी ने बहुत वाजिब सवाल ये उठाया कि ये जो क्रूज की कंपनी है, इसके जो पायलट है, ये जो पूरा टीम गुजरात से आई हुई है, ये हमारे वासी के निशान में जनरेशन है जी। उसको क्या आप इसमें पायलट बनाने जा रहे हैं? ठीक है, विकास के लिए प्रधानमंत्री जी जब 14 में आए थे, अखिलेश जी ने हमेशा सबसे ज्यादा उनका जो दिल था, जिस तरह से उन्होंने गोमती जी के रिवर फ्रंट में नदियों को साफ कर दिया था, लेकिन गंगा जी तो हम सब की है ना, आपकी भी है, मेरी भी है, हमारे भाजपा के पांडे जी बचे हैं, लेकिन नमामि गंगे के सारा दौलत ये लोग वाराणसी में बहती हैं, इससे ज्यादा गंदी कोई नदी नहीं है जी। तो सवाल ये है कि जो हिंदू हिंदुत्व और हमारी गंगा जी को धर्म से जोड़ने वाले जो लोग थे जी, इन्होंने गंगा जी को दूषित करने का काम। दूसरा ये है कि निषाद समाज के बारे में उन्होंने बात करी, उन्होंने पिछड़ों समाज के बारे में बात करी। तो अब सवाल ये है कि निकाय चुनाव जो सामने हमारे है जी, पूरे प्रदेश में जो अति पिछड़ा समाज है हमारा, हमारे जो पिछड़े हैं, आप उनको देखिए ना, पुलिस फोर्स में उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, उनका रिप्रेजेंटेशन तो ऐसा है कि उनकी आबादी नहीं है। आप विश्वविद्यालयों के जितने वाइस चांसलर्स हैं आप उसमें अपॉइंटमेंट दें जी। अखिलेश जी मानना है कि सभी समाज का में विभिन्नता शिक्षा में, नौकरियों में, स्पेसिस में दिखना चाहिए, तो वो डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल को बहुत मानते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, जब तक उन्हें कोई उनकी जाति का आदमी ना मिल जाए, अब सोचिए ना कि एक परमानेंट पोस्ट खाली रहती है इसलिए कि उनकी जाति का कोई आदमी नहीं मिला। विषयों पर समाजवादी पार्टी बहुत गंभीर है और निषाद समाज के लोगों को हम कहेंगे कि आप अपना यूनियन बनाकर अपनी जो फाइट है उसको मजबूत करिए, किसी भी बाहरी को। पर निषाद भाइयों की सोच का, उनके जीवन का सवाल तो है ही, लेकिन बात जो अमीक जी कह रहे हैं उसमें तो कहीं कोई इनकार नहीं है। कितनी गंगा आप साफ कर पाए, गंगा की बात तो होती है। अभी देखिए प्रयागराज में मेला शुरू होने वाला था, साधु संतों को धरना देना पड़ा, तब लाल पानी जाके हरा हुआ। अशोक पांडे जी सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी जी, देखिए आपको बता दें कि बनारस की जहाँ तक बात है और गंगा सफाई की जहाँ तक बात है, पहले एक भी ट्रीटमेंट प्लांट, एक दो चल रहे थे, एक खराब हो गया था, अब चार चार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं।
इलाहाबाद में गंगा बात साफ थी तो अखिलेश यादव भी डुबकी लगा चुके, प्रियंका गांधी भी डुबकी लगा चुकी। मेरा कहना है पहले से चीजें बदली है। अशोक पांडे जी, ये डुबकी लगाना स्वच्छता का प्रतीक नहीं है, गंगा आस्था के विषय। आप गंदी भी रखेंगे तो भी सब डुबकी लगा लेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप? पहले से ज्यादा स्वच्छ हुई है, ये आप आके स्वयं आकलन कर सकते हैं, जनता का आकलन सुन सकते हैं, रोज गंगा नहाने वाले से पूछ सकते हैं। मेरा ये कहना है उसके अलावा जो अभी लोग कह रहे थे कि हमारे मछुआरे भाइयों का हक, ये सब हमारे यहाँ बनारस में जो हमारे मछुआरे भाई हैं, हमारे निषाद समाज के लोग हैं, वो आज जिस तरह से पर्यटक बनारस में आ रहे हैं, आज गुना दस गुना ज्यादा आमदनी हो रही है, लाखों पर्यटक आ रहे हैं गंगा कॉरिडोर से, क्या उस पार। अच्छी बताइए, निवेश कितना आ रहा है, क्योंकि सपा ये कह रही है कि निवेश की जो बड़ी बड़ी बातें आप लोग कर रहे हैं ये केवल चुनाव की तैयारी है, आ कुछ नहीं रहा है। देखिए मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में पहले इन्हीं लोगों ने अपराध का राजनीतिकरण कर दिया था, कोई यहाँ बिजनेस लगाने को तैयार नहीं था, इन लोगों ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया था, इस चक्कर राज कर दिया था, और सड़कों गलियों मोहल्लों मोहल्लों तो हमने सही किया, हमने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की व्यवस्था कराई, आवागमन की सुविधा दी, उत्तर प्रदेश में हमने माहौल बना लिया, 12वें नंबर पर था उत्तर प्रदेश, जब कोई व्यापार लगाने को तैयार नहीं था, आज दूसरे नंबर पे है, हमने अपने मंत्रियों को विदेशों में भेजा जाके उत्तर प्रदेश के माहौल के बारे में बताए। नहीं जब वो तो वही तो ब्यौरा मांग रहे हैं कि जो आप पिछला निवेश था वो बता दीजिए ना, कहाँ पे कितना लगा, तो वो आपकी बुराई करना बंद कर देंगे। ये बुराई करना बिल्कुल नहीं बंद करेंगे, जो काम हम कर रहे थे बताएंगे अखिलेश जी की नैया पर, अखिलेश जी पे बैठे पहले उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छा काम है, मेरा काम था, बाद में उन्होंने बताया कि हमारी चलाई नैया है, एक तो रामनगर का पुल ये लोग नहीं बनवा पाए थे कायदे से, आज हम जो भी अच्छा काम करते हैं सब अखिलेश के जमाने की सोच हुआ करती है, ये दुर्भाग्यजनक है। आज इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में व्यापार लगाने को तैयार है, इन्वेस्टर्स मीट होने वाली है, देखिएगा किस तरह से यूपी में व्यापार की गति, खास करके मैं जहाँ से आपसे बातचीत कर रहा हूँ वहाँ चले आइए, लाखों पर्यटक रोज आ रहे हैं बनारस, टेम्पो वाले, रिक्शे वाले, घूमते वाले, नाव वाले, होटल वाले, आज आके स्वयं बनारस से देख लीजिएगा, दस गुना ज्यादा लोग पैसा, ठीक है, लोग आ रहे हैं पैसा कमा रहे हैं। अमित जी, जब निवेश की बात होती है तो अखिलेश जी ने कहा कि केवल चुनाव की तैयारी के लिए आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, आप लोग कहते हैं आपके समय निवेश आया, ये लोग कहते हैं हम बड़ा निवेश ले आ रहे हैं, और कल औद्योगिक विकास मंत्री ने ये भी कहा कि आपके वक्त में निवेशक आके पलट जाता है और हम तो गाड़ी ही पलट देते हैं। निवेश हम तो हमेशा, देखिए हमारा काम है कि हम पांडे जी भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम भी तैयारी करके आते हैं, लेकिन पांडे जी तैयारी करके नहीं आते। अब आप इनसे अगले 20 मिनट में अगर ये पूछते जाइए किस मल्टीनेशनल कंपनी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवेश किया है जिसका आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इनॉग्रेशन किया हो, जो जहां से रोजगार मिलने लगा हो, पांडे जी 20 मिनट में नहीं बता, क्योंकि यूपी में किसी एमएनसी ने, अब अखिलेश जी के समय पे तो सोचिए कि नोएडा में सैमसंग आया, उसने अपना काम शुरू किया, एचसीएल आया लखनऊ में, लेकिन इस जिस तरह का सूबे में हाल है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, रेप स्टेट बन गया है, बेटियां हमारी 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती हैं, बाल शोषण है, बच्चों के खिलाफ जो शोषण है उस पर यूपी नंबर टॉप है, ऐसे माहौल में कौन इन्वेस्टमेंट करने आए? तो हमने कहा है कि एक व्हाइट पेपर जारी करिए, ऐलान मत बताइए, हमारे एबीपी के दोस्तों को ये बताइए कि जौनपुर के जगह पर फला फैक्ट्री फला ने आके इन्वेस्टमेंट किया है, तो जरा एबीपी पे उनका वीडियो भी दिख जाएगा। तो चाहे ब्रजेश पाठक जी हो, चाहे ये नौनी सहगल जी हो, ये लोग सरकार को मिसलेट कर रहे हैं। आम जनता जो जिसको विकास चाहिए था 2017 के बाद जो हमारा सूबा था, अखिलेश जी जहां तक यूपी को ले आए थे, सूबा हमारा पिछड़ गया। हम कह रहे ठीक है, लोकतंत्र में आपको हक मिला है सरकार चलाने का, युवाओं की वैसी चिंता क्यों नहीं करते कि जैसे अखिलेश जी करते हैं? सवाल है आपको अशोक पांडे जी, अमित जी पूछ रहे हैं कि आप कोई एक दो नाम तो बताइए, एक ही बता दीजिए कि कहीं पर कोई संस्थान लगा हो, फैक्ट्री लगी हो, उसका लोकार्पण हुआ हो, कुछ तो बताइए। अरे साहब, बनारस में ही अमूल की फैक्ट्री इतनी बड़ी लगी है दूध का, अमूल का, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने स्वयं किया था।
और ये जो बनारस में जो कॉरिडोर है, वाराणसी कॉरिडोर बाबा विश्वनाथ का बना है, जिसके चलते करोड़ों पर्यटक आ रहे हैं, ये क्या कम है? कल जब क्रूज चलने जाएगा ये क्या कम है? कल जब क्रूज चलेगा तो ये बताएंगे कि अखिलेश यादव की योजना थी, अशोक पाने पढ़ लिख के नहीं आए। ये पूरी चीज चल रही है, आप दोनों का शुक्रिया, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, हम सीधे रुख करेंगे जोशी मठ का, जहां पर दरारों के चलते जो आपदा आई है उसमें अब होटल्स को गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। और सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जोशी मठ की, रवि कैतुरा हमारे साथ बने हुए हैं। जो तस्वीर है ये देखिए, जोशी मठ में होटल गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। भारी विरोध हो रहा था दो दिन से, थोड़ी देर में डेंजर होटल गिरा जाएंगे, दो होटल्स को चिन्हित किया गया था और अब होटल गिराने की कार्रवाई शुरू हो रही है, क्योंकि प्रशासन बार बार कह रहा था कि अगर ये अपने से गिर गए तो भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि नीचे एक बड़ी कॉलोनी है। तो जोशी मठ आपदा को लेकर बड़ी खबर यह है, बड़ा अपडेट यह है कि होटल गिराने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसे विरोध के चलते रोका गया था। परसों भारी हंगामा हो गया था, पूरे दिन सर्वे का काम शुरू हुआ था, लेकिन रात में लोगों ने विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। कल संवाद हुआ, मुख्यमंत्री ने भी बात की, तमाम जो अधिकारी थे वो पहुंचे, वहां पर 1.5 लाख के अंतरिम सहायता राशि की घोषणा की गई और ये भी कहा गया कि पूरी प्रक्रिया के बाद मुआवजा मिलेगा। एक नए जोशी मठ को बसाने की बात भी चल रही है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि जोशी मठ में होटल गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। जोशी मठ में कार्रवाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये जरूरी भी है, अगर ये होटल अपने आप टूटकर गिर जाते हैं तो नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैनुअल तरीके से अब इन्हें गिराने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सीधी तस्वीरें हम आपको जोशी मठ से दिखा रहे हैं, जहां पर दो होटल जो हैं, मलारी इन और जो दूसरा होटल है, उसे गिराने के लिए जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। आप देखिए जेसीबी मशीन वहां पर पहुंची हुई है, क्रेन को भी वहां पर लगा दिया गया है और विशेषज्ञों की निगरानी में खासतौर से CBRI यानी कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सीधे रुक करते हैं रवि, आपका तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या हो रहा है वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए जिस बात का इंतजार था, लगातार जिस बात का विरोध कर रहे थे, वो विरोध के बाद अब जो है यहाँ पर इस जो होटल है मलारी इन, इससे कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। आप सामने देख सकते हैं कि पूरी जो टीमें हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं, यहाँ पर SDRF के लोग भी हैं और साथ ही साथ जो सामने एक मशीन दिखाई बनना, और जो सामने एक मशीन है वो क्रेन है, इसके माध्यम से जो, क्योंकि होटल को मैनुअल तरीके से तोड़ा जाना है, तो ऐसे में जो ऊपर के पैच हैं इसका जो लोड है उसको धीरे धीरे कम किया जाएगा और उस ऊपर से इसकी तोड़ने की कार्रवाई शुरू होगी। ऐसे में जो दोनों सिरे हैं इसे यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है, आगे लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो थोड़ा सा खतरा भी है जब वहाँ पर तोड़ रहे होंगे। यही वजह है कि हम लोगों को इधर खड़ा किया गया है। मैं यहाँ से तस्वीरें आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर SDRF के लोग को लगाया गया है, पुलिस के जवान यहाँ पर हैं और साथ ही साथ वो लोग जो इस होटल को यहाँ से धीरे धीरे करके इसको तोड़ने की कार्रवाई शुरू करेंगे। तो मलारी इन होटल की जो कार्रवाई शुरू अब कुछ ही देर में यहाँ से शुरू हो जाएगी और यहाँ पर जो दो होटल हैं इनको फिलहाल तोड़ा जाना है, क्योंकि जिन पर रेड क्रॉस के निशान जो है तकरीबन 80 होटल और घरों पर लगे हैं, लेकिन अभी घरों को तोड़ने की कार्रवाई नहीं होगी, फिलहाल अभी दो होटल को तोड़ा जाना है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस वक्त जोशी मठ में मौसम भी काफ़ी बदल गया है, अभी कुछ देर पहले ही बारिश यहाँ पर नीचे शहर में शुरू हो चुकी है, तो वहीं जो ऊपर पहाड़ी है वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। ऐसे में बहुत ज़्यादा खतरा बन जाता है कि अगर नीचे बर्फबारी होती है तो यहाँ पर ये खुद भी ध्वस्त हो सकते थे, तो इस वजह से प्रशासन ने जो बातचीत की है होटल स्वामियों से, उनके साथ बातचीत के बाद अब ये फैसला लिया गया है कि अब इसको डिसमेंटल की कार्रवाई इस पर शुरू कर दी जाएगी और अब यहाँ पर जो कार्रवाई है वो शुरू होनी है। फिलहाल अभी जो आप आगे देख रहे हैं वहाँ पर तमाम लोग हैं, तमाम लेबर भी है जो इसको तोड़ने की कार्रवाई शुरू करेगी, लेकिन इसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से तोड़ा जाना है। यहाँ से जो आ रहे हैं ये होटल के होटल स्वामी हैं, उनको हम यहाँ बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ से पुलिस आगे नहीं जाने दे रही है, तो ऐसे में उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि वो क्या कहते हैं। तो ठाकुर सिंह राणा है जो मलारी इनके होटल के जो ऑनर हैं, और उनसे हम बातचीत करेंगे कि आप जो तोड़ने की कार्रवाई जो यहाँ पर हो रही है उसमें उनका क्या कहना है, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। आइए राणा जी, आप बता दीजिए। अब ऐसे करेंगे, पूरा मीडिया आपके साथ रहा, आप राजी हैं? काम निकल गया तो मीडिया के तीन दिनों से आपके साथ हैं, जब आप वहाँ लेट रहे थे हम वही तस्वीरें दिखा रहे थे। इसे तोड़ना हो तो बताएंगे क्या हुआ है, मतलब बता दो ना राणा जी, बता दो, बताइए। बस की बिल्कुल बात नहीं है, अब मेरी बस की बिल्कुल बात नहीं है सर, पूछू नहीं। देखो ऐसा है,
बगल वाले बिल्डिंग का होटल का इतना दबाव पड़ गया है कि मेरी बिल्डिंग होटल फटने वाला है, और जब वो कोई दुर्घटना नहीं हो जाए इसलिए मैं लाचार बेसहारा हो गया, मैं कुछ नहीं बोल सकता। प्रशासन क्या कह रहे थे मुआवजे को लेकर बात? मुख्यमंत्री जी से मेरी कोई न उन्होंने दबाव डाला न उनसे मुलाकात हुई, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं, मेरे साथ कोई तय नहीं हुआ। मुआवजे को लेकर खुश है? किसी की बिल्डिंग टूटी हो, होटल टूटी हो, तो कोई खुश रहेगा क्या? ये ठाकुर सिंह राणा है, मलारी इन होटल इन्हीं का है, और यहाँ से इन्होंने अपनी बात को रखा है। फिलहाल उनका ये कहना है कि जो दूसरा होटल है वो पूरी तरीके से मेरे होटल के ऊपर है और ये कभी भी जो है यहाँ से ध्वस्त हो सकता है, और यही वजह रही कि यहाँ पर अब वो भी फिलहाल जो है तोड़ने के लिए अभी वो अब उनकी ओर से हाँ है। तो पूरी तैयारियाँ यहाँ पर हो चुकी हैं और इस तैयारी के बाद अब यहाँ पर इसको डिसमेंटल करने की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। यहाँ पर तमाम पुलिस फोर्स लग गई है, फिलहाल यहाँ कोई आवाजाही ना हो इसके लिए रोड को बंद कर दिया गया है, दोनों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है, और यहाँ पर जो सामने जो क्रेन मशीन आप देख रहे हैं इसके जरिए जो बहुत जो हिस्से हैं होटल के धीरे धीरे जो तोड़े जाएंगे उनको ऊपर की ओर खींचा जाएगा ताकि नीचे जो कॉलोनी है वहाँ पर वो हिस्से ना गिरें और किसी तरीके की वहाँ पर दिक्कत ना हो। इतना ही नहीं, इसके नीचे जो कॉलोनी है वहाँ पर तमाम SDRF के लोगों को तैनात किया गया है ताकि वहाँ पर भी अगर यहाँ के कुछ हिस्से अगर वहाँ गिरते हैं तो वहाँ पर भी जो वो अलर्ट पर रहें। इसके अलावा नीचे जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पर उन घरों को पहले ही खाली कराया गया था क्योंकि इस होटल के नीचे तमाम जो घर है वो पूरी तरीके से खतरे की जद में है, उन पर भी रेड क्रॉस के निशान पहले ही प्रशासन की ओर से लगाए गए हैं, लेकिन उसके आसपास का थोड़ा सा खतरा जरूर रहेगा जब यहाँ पर डिसमेंटल की कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि ये देखना होगा क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, कोई मैदानी इलाका नहीं है कि उसको इसको एक बिल्कुल। और ये बताएं रवि कि चूंकि सुरक्षा कारण है क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में जिस तरीके से कार्रवाई हो पाएगी उस तरीके से करेंगे। ये जो होटल के ओनर है इनकी बातों से लग रहा है कि संवाद अभी भी हो नहीं पाया है, कितना वक्त लगेगा तोड़ने में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उनकी उनका जो संवाद है उसे यही लग रहा है कि वो नाराज हैं, एक तरफ से उन्होंने पूरी तरीके से हाँ नहीं वो कहा। फिलहाल अभी कुछ कह नहीं रहे हैं मीडिया के सामने। ये बताइए रवि कितना वक्त लगेगा, क्योंकि मैनुअल तोड़ना है, मलबे को हटा के तोड़ना है, कितना वक्त लगेगा इस कार्रवाई में? देख रहे हैं आप अभी उनको बोलने से रोका गया है, बैरिकेडिंग। बिल्कुल, देखिए जो हमारी बात शुरुआत में हुई थी SDRF से और हमने उनसे पूछा था, जो यहाँ पर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो लोग आए थे उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि जो मैनुअल तरीके में तोड़ने की जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई में तकरीबन 5 से 6 दिन लग सकते हैं, लेकिन अब देखना होगा किस तरीके की कार्रवाई होगी, कितना इसमें वक्त लगेगा, पहले शुरुआत यहाँ पर हो जाए, क्योंकि शुरुआत भी अभी यहाँ पर नहीं हो पाई है। लेकिन क्योंकि अंदर भी कुछ लोग हैं, जो मैं तस्वीर उस वक्त दिखा रहा था जहाँ पर जो महिलाएं थी, महिलाएं वहाँ पर अंदर मौजूद हैं और वो अभी भी अंदर ही मौजूद हैं, तो लगता है कि वहाँ पर अभी बातचीत चल रही है, क्योंकि अभी भी विरोध चल रहा है रवि। सब लोगों को बैरिकेड से बाहर कर दिया गया है खतरे की वजह से। देखिए कुछ महिलाएं वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं और जो सुबह से वहाँ पर बैठे हुए थे और वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं, तो ये माना जा सकता है कि अभी जो है कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई हैं और ये वजह कि थोड़ा सा अभी और वक्त है, लेकिन प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी है। अब जब क्योंकि जब भी वहाँ पर तोड़ने की कार्रवाई शुरू होगी तो उसके बाद उनको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पर पूरा खतरा रहेगा। तो सामने जो मशीन है, जो क्रेन है, वो वहाँ पर आ गई है और इस होटल को पूरी तरीके से खाली कराया गया है, और मैं इधर की तरफ आपको दिखा देता हूँ कि कैसे वहाँ पर जो जहाँ पर ये टेंट लगा है इसके नीचे अभी बहुत सारी महिलाएं हैं वहाँ पर मौजूद हैं, वो अभी नहीं आए हैं, तो अभी यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है किसी को, और वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं जो बैठी हुई हैं, उनसे बातचीत प्रशासन के लोग अभी कर रहे हैं। लेकिन रवि सवाल फिर व्यवस्था पर उठते हैं कि वहाँ पर पूरी सरकार की नज़र है, जो CM के सचिव है मीनाक्षी सुंदरा वो मौजूद थे, अंतरिम राहत की घोषणा भी कर दी गई, इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है, तो आखिर पेच कहाँ पर फंस रहा है? ये संवाद है कि अंतहीन हो चुका है, संवाद ही खत्म नहीं हो रहा है, कार्रवाई कब होगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए संवाद को लेकर जो है पहले भी एक बात उठी है कि जो प्रशासन के लोग हैं और उनके जो होटल के ओनर हैं उनके बीच कोई बात नहीं हो पा रही है ढंग से, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं तो ये माना जा रहा था कि उनसे बातचीत हुई है, लेकिन अभी उनके ओनर ने साफ तौर पर कहा कि उनकी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो इसको नहीं तोड़ने देंगे, क्योंकि अभी
दो दिन पहले हमने देखा कि जब होटल को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो रही थी तो उस वक्त जो होटल के होटल स्वामी हैं वो वहाँ पर गेट पर अपनी वो और उनकी पत्नी वहाँ पर लेट गई थी और उस वक्त जो है उन्होंने बड़ा विरोध किया था, लेकिन इस वक्त वो वाली तस्वीर नहीं है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि उनकी ओर से भी अब ये मान लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम बन रहा है ऐसे में बड़ा खतरा है और उनकी तरफ से मान लिया गया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट अपनी बात को नहीं किया, यही हम उनसे पूछना चाह रहे थे कि उनकी ओर से क्या है, मुआवजे को लेकर उनसे क्या बात हुई। लेकिन फिलहाल अभी जो अंदर लोग हैं और इसको डिसमेंटल करने की जो कार्रवाई है वो यहाँ से अब शुरू करेंगे, क्योंकि मशीनें पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। SDRF के लोग सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, पुलिस के लोग इधर हैं ताकि कोई इधर से उधर ना जाए, और दोनों तरफ जो है रोड को बंद कर दिया गया है। अभी जो जोशीमठ शहर के लिए जो लोग आ रहे हैं वो एक बाईपास है, वहाँ से होकर आ रहे हैं। यहाँ से फिलहाल किसी गाड़ी को नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि हम तस्वीरें पहले भी दिखा रहे थे कि जहाँ पर होटल हैं और जो उसके बीच में जो सड़क है, जो मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे है, वहाँ पर भी जो है वो पूरी तरीके से वो भी आधा धस गया है। तो ऐसे में अब यहाँ से आगे की कार्रवाई शुरू होगी और इसी बात का इंतजार है कि किस तरीके से इसको डिसमेंटल करेंगे। तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पर देखिए वो होटल के अंदर अगर आप देखेंगे सामने जो बालकनी है होटल की, वहाँ पर जो है एक जो तोड़ने वाले जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये फिलहाल जो टेंट लगाया गया था, टेंट को यहाँ से हटा रहे हैं। तो अभी लोग अंदर मौजूद हैं और किस तरीके से इसको डिसमेंटल किया जाना है उसको लेकर पूरी रूपरेखा, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग हैं वो पहले आए थे, उन्होंने यहाँ पर पूरा एक तरीका बताया है अपना अनुभव कि किस तरीके से यहाँ पर बिल्डिंग को गिराया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन रवि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं मलारी इनकी, ये होटल झुका हुआ है, बगल वाले होटल से बिल्कुल चिपका हुआ है। मैनुअल तोड़ना है तो ऐसे में तो पूरा ऑपरेशन भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि जिस तरीके से दरारें पड़ी हैं, होटल की बिल्डिंग झुक गई है, मैनुअल ऑपरेशन के दौरान हादसे की भी आशंकाएं कोई कम नहीं है यहाँ पर। निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा, जब मैनुअल यहाँ पर जो मैनुअल ऑपरेशन होगा उसके दौरान हादसे की जो संभावनाएं हैं वो कम नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि नीचे बहुत सारी कॉलोनी है, इसके ठीक नीचे तो खाली करा दिया गया है, लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर जो है जो घर है वो खेतों की तरह सीढ़ीनुमा तरीके से बने होते हैं। यहाँ से कोई मलबा या कोई पत्थर गिरता है तो वो कई मीटर जो है नीचे तक चले जाता है। तो ऐसे में इसमें अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर बहुत सारी ईंटें हैं और इस इमारत में काफ़ी मलबा भी होगा, उसको कैसे निकालेंगे, कैसे इसको ऊपर की तरफ करेंगे, ये बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र की वजह से, क्योंकि ये जहाँ पर होटल स्थित है ये बिल्कुल टापू पर बना हुआ है, इसके नीचे तमाम जो लोग हैं उनके घर हैं, हालांकि उनको खाली कराया गया है, लेकिन जो आवाजाही है उसे भी पूरी तरीके से उस दौरान अब बंद किया गया है ताकि किसी तरीके की ऐसी दिक्कतें ना हो। लेकिन एक जो तस्वीर जो बार बार दिखाई दे रही है कि यहाँ पर पुलिस ने तमाम मीडिया को रोक दिया है, लोगों को रोक दिया है, लेकिन अभी भी होटल के अंदर, मनोर वहाँ दिखाइए, अभी भी जो होटल के पास जो है वहाँ पर महिलाएँ हैं, जबकि यहाँ पर सब लोगों को रोक दिया गया है। तो अगर इतना खतरा देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस के लोग हैं, पुलिस ने हमें यहाँ पर इधर ऊपर भी नहीं जाने दिया। अब ऐसे में दिखा रहे हैं, वैसे ये बताइए, बनाए रखिएगा, पल पल का अपडेट देते रहेंगे, सबसे पहले दिखाते रहेंगे तस्वीरें। फिलहाल शुक्रिया आपका, बताइए सिर्फ हमें हटाएंगे मीडिया। और यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, होटल को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन अभी भी होटल टूटेगा या नहीं टूटेगा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि विरोध लग रहा है, थमा नहीं है, कुछ लोग वहां पर जमे हुए हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।